दोस्तों पहले जो है हम लोग जो है फेसबुक पेज को क्रिएटर स्टूडियो से मैनेज करते थे, क्रिएटर स्टूडियो से वीडियो अपलोड करते थे, यानी कि अपने जो है फेसबुक पेज का जो सारा एनालिटिक है ना, हम लोग जो है क्रिएटर स्टूडियो से देख लेते थे और वहीं से मैनेज भी कर लेते थे। लेकिन दोस्तों अब तो जो है फेसबुक ने क्रिएटर स्टूडियो को हटा दिया है और उसके बदले में दोस्तों एक जो है फेसबुक ने लॉन्च कर दिया है मेटा बिजनेस सूट का जो है एप्लीकेशन, जिससे अब आप जो है अपने जो है फेसबुक पेज को जो है मैनेज कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिजनेस सूट एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर में। यहाँ पर आप लोग देखिए हमारे फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन है और यहाँ पर आपको बिजनेस सूट करके यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेटा बिजनेस सूट, ये एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, यानी कि इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को आप जो है कैसे यूज करोगे। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो है फोन में यहाँ पर बिजनेस सूट एप्लीकेशन ओपन है और यहाँ पर मेरा जो है फेसबुक पेज यहाँ पर लॉगिन है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप जब इसे पहली बार जो है ओपन करोगे ना, तो वहाँ पर आपको अपना आईडी पासवर्ड देना होगा। आईडी पासवर्ड डालकर सिंपली आप जो है लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का कुछ इंटरफेस इस एप्लीकेशन का आ जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको होम पेज पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखिए क्रिएट पोस्ट, और यहाँ पर ऊपर जो है आपको एडिट पेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके जो है दोस्तों आप अपने पेज को जो है एडिट कर पाओगे। यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, बायो, यानी कि घुमा फिरा के यहाँ पर आप जो है अपने पेज को यहाँ से एडिट कर पाओगे अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आपके फॉलोअर्स दिखाई देंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रिएट पोस्ट, यहाँ पर क्लिक करके आप जो है पोस्ट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, फोटो, वीडियो, कुछ भी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा रील्स, स्टोरी, एडवर्टाइज, फोटोज। यहाँ पर रील्स पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो है अपना जो है रील्स क्रिएट करोगे। उसके बाद स्टोरी पर क्लिक करके आप जो है अपना स्टोरी यहाँ से लगा पाओगे। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, ये तो ऐड का है, यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। और इसका जो है फायदा जो है, अगर आप लोग अपने जो है फेसबुक पेज को जो है क्या कहते हैं, आप लोग प्रमोशन कराना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो एडवर्टाइज के थ्रू। और यहाँ पर फोटो पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो है फोटो या वीडियो जो है अपलोड कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैसेज, और यहाँ पर आपको वो मैसेज दिखाई देंगे जिसे आपने अभी तक जो है रीड नहीं किया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 अनरीड, यानी कि 5 मैसेज अनरीड है। उसके बाद यहाँ से आ जाना है और यहाँ पर आप लोग देखिए आपको यहाँ पर जो है वीडियोस मिल जाएंगे। और यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर ऑडियंस ग्रोथ, यहाँ पर यानी कि घुमा फिरा के रीच, आपके फेसबुक पेज का यहाँ पर रीच दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लोग इतना देखने को मिलेगा आप लोगों को होम पेज पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कॉन्टेंट पर। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कॉन्टेंट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही कॉन्टेंट पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके के पेज जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको तो आपका वीडियो दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर जो है पब्लिश दिखाई देगा आप लोगों को, चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर पब्लिश दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप जो है अपने शेड्यूल पोस्ट, ड्राफ्ट पोस्ट को भी देख सकते हो। जैसे शेड्यूल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने जो है कोई भी वीडियो यहाँ पर शेड्यूल करके नहीं रखा है, तो यहाँ पर मैं पब्लिक पर क्लिक कर देता हूँ, पब्लिश्ड पर। उसके बाद यहाँ पर रील्स आपको दिखाई देगा ऊपर, यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे जो है ऑप्शन दिखाई देंगे, रील्स, स्टोरीज, मेंशन, फोटोज, प्लानर, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग जो है देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको इतना फीचर मिल जाएगा कंटेंट पर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्लस आइकन की, यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्लस आइकन। तो यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोग देखिए क्रिएट न्यू कंटेंट, जैसे यूट्यूब पर आता है ना वीडियो अपलोड करते समय, वैसे यहाँ पर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा जो है अच्छी बात है, इस तरीके से आना भी चाहिए। यहाँ पर आप लोग देखिए पोस्ट, रील्स, पोस्ट पर क्लिक हो गया, हाँ पोस्ट, रील्स, फोटो, स्टोरी, एड, लाइव, यहाँ से कर सकते हो, यानी कि सेम टू सेम जैसे कि यूट्यूब पर है ना, वैसे यहाँ पर भी है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई देगा एक इनबॉक्स का बटन। तो यहाँ पर इनबॉक्स पर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो है चैट आ जाएंगे, यानी कि आप लोगों के पास आपके फेसबुक पेज पर जितने भी मैसेज आएंगे यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर कमेंट्स आप लोग देख सकते हो,
यहाँ पर कमेंट है, यहाँ पर कमेंट भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कनेक्ट टू इंस्टाग्राम का कमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और आपके जो है फेसबुक पेज के वीडियोस रील्स का भी कमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है टूल्स नीचे दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों बहुत सी जो है बहुत ही सिंपल जो है प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा जो है सेटिंग्स नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा जो है इसका जो है मैनेज टूल है, सब कुछ यानी कि नॉर्मल है। दोस्तों यहाँ बस आपको जो है समझने की ज़रूरत पड़ती है, बस आप समझ जाओगे बहुत ही ईजी आपको लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे आप टूल्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन हो गया, प्लानर, एड्स, बिजनेस फीड, यहाँ पर इवेंट्स, ऑर्डर्ड, इनसाइट। जैसे कि यहाँ पर इनसाइट पर क्लिक करके आप जो है अपने फेसबुक पेज का जो है 28 दिन का यहाँ पर रीच देख सकते हो, जो कि मेरा सब कुछ यहाँ पर डाउन है क्योंकि मैं जो है फेसबुक पेज पर वर्क नहीं करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो है लास्ट 28 डेज पर क्लिक करके यहाँ से आप जो है डेट सिलेक्ट कर सकते हो कि हमें किसका कितने दिन का जो है यहाँ पर जो है इनसाइट देखना है। जैसे कि लास्ट 7 डेज, यस्टरडे, दिस वीक। जैसे कि मैं यस्टरडे का यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए दो रीच है कुछ नहीं इतना तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतना आपको इनसाइट में दिखाई देगा। यहाँ पर सेटिंग पर आप क्लिक करके जो है यहाँ पर आप जो है अपने पेज को कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैनेज कर पाओगे। सेटिंग्स पर क्लिक करके अपने पेज, यानी कि ये पेज सेटिंग है जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग अपने पेज के साथ इंस्टाग्राम जो है ऐड करना चाहते हो तो यहाँ कनेक्ट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम आईडी को। सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर होम पेज पर अगर आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पेज पर जितने भी नोटिफिकेशन आए होंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। और दोस्तों यदि आप जो है अपने किसी भी वीडियो को एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली आपको कंटेंट पर जाना है। जिस भी वीडियो को आप एडिट करना चाहते हो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 3 डॉट दिखाई देगा जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर जो है आप जो है किसी भी जो है पोस्ट को, इस पोस्ट को जो है आप एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, हु कैन कॉमेंट योर ऑन योर पोस्ट इसे भी देख सकते हो, और इसका जो है लिंक भी आप कॉपी कर सकते हो। यानी कि आप अपने जो है पोस्ट को भी एडिट, मैनेज सब कुछ कर सकते हो। जिस तरीके से क्रिएटर स्टूडियो में ना आपको यहाँ पर मैनेजमेंट देखने को मिलता है ना, उससे बल्कि यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। यानी कि ये जो बिजनेस सूट है ना, ये एडवांस फीचर्स के साथ जो है लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो है आपको ऐप कितना अच्छा लगा आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। और मैंने आपको जो है इम्पॉर्टेंट सेटिंग बताया है और किस तरीके से बिजनेस सूट को यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताया है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो सिंपली वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जो है पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।